अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में। आज ही पढ़ें और हिस्सा लें। दैनिक जागरण, अब क्या करना चाहिए झारखंड को। हमको जब मुकेश अंबानी जी बुलाए दिल्ली बॉम्बे इन होटल ट्राइडेंट 5 स्टार होटल में, हमसे पूछा गया कि आप क्या संदेश क्या देंगे, चाहे दो चार और भी जगह से लोगों ने कहा, हमने कहा कि हम हमारे कलीग्स डॉक्टर लोग से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, अनुरोध है कि हर रोज़ एक गरीब पेशेंट को सिर देखें, क्योंकि हेल्थ में तो मुनाफा पूरी नहीं करना चाहिए, करना है तो कुछ हायर मेडिसिन में कीजिए वो अलग बात है, लेकिन पर जनरल पब्लिक एक ऐसा स्तर रखिए दवाई की जो कि आपको मदद हो सके, पब्लिक को, गरीबों को मदद हो सके, इसका तो होना चाहिए कुछ इंतजाम। हेल्थ सेंटर्स में डॉक्टर लोग जैसे मौजूद रहें ये देखें, और फैसिलिटीज उनको दें जैसे कि वो रहें वहाँ, चाहे कुछ इनकम, कुछ इंसेंटिव्स दें, कुछ इंसेंटिव्स अलग से दें कि आपको हम इतना एक्स्ट्रा देंगे अगर आप वहाँ रहिए, और फिर दे शुड रिमेन देयर, इतना तो उनको होना चाहिए कि हमको सरकार इतना पैसा दे रही है। दैनिक जागरण की टीम आज खड़ी है डॉक्टर एस पी मुखर्जी के साथ। और कितना वक्त चाहिए झारखंड को? दैनिक जागरण ने यह सवाल पिछले साल उठाया था, उन्हीं सवालों के साथ इस साल हम फिर खड़े हैं। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? स्वास्थ्य क्षेत्र का मुद्दा उठाते हुए जब हमने आज बात की डॉक्टर एस पी मुखर्जी से, तो कई सवालों के जवाब भी मिले। मैटेरियलिस्टिक टू स्पिरिचुअलिज्म, झारखंड को इस ओर जाना चाहिए, स्वामी विवेकानंद की उक्ति, मूर्ख देवो भव, रोगी देवो भव, दरिद्र देवो भव, 5 रुपये में आज भी रोगी का इलाज करते डॉक्टर मुखर्जी हमारे साथ। आज इनसे बात करने के लिए वरीय समाचार संपादक मुकेश भूषण जी, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद श्रीवास्तव जी साथ में हैं। काफ़ी बातें हुई, हम जानना चाहेंगे मुकेश भूषण जी से कि इस बातचीत के बाद आप किस निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं कि झारखंड को स्वास्थ्य क्षेत्र में बदलाव के लिए अब क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब से भेंट करके यह महसूस हो रहा है कि जो जीवन के हर क्षेत्र में चरित्र का जो पतन होता जा रहा है, इसके कारण बहुत सारी समस्याएं हैं, खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में। डॉक्टर साहब ने हमें बहुत सारे अपने अनुभव बताए और जिससे हमने ये जाना कि अगर इस क्षेत्र में हमें झारखंड को आगे ले जाना है तो सबसे पहले तो नियत ठीक करनी पड़ेगी, अपने चरित्र को सुधार करना पड़ेगा, इस पेशे में आने वाले लोगों को सेवा भाव से आना पड़ेगा। एक बिजनेस के तहत मुनाफा कमाने की मंशा से अगर कोई इस क्षेत्र में आता है तो इसे नुकसान ही है इस क्षेत्र को। सेवा भाव से आता है तो एक डॉक्टर की फीस, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी सबसे बड़ी फीस यही है कि जब मरीज ठीक हो जाता है तो उसके चेहरे पर जो खुशी होती है और उसके परिवार के लोगों के चेहरे पर जो सुकून हम देखते हैं, हमारी सबसे बड़ी फीस वही है। डॉक्टर साहब से इतनी लंबी बातचीत हुई, हमें तो यही अनुभूति होती है और हमारी नज़र में सारी दुनिया भी यही कहती है कि डॉक्टर का जो पेशा है बहुत ही पवित्र पेशा है, और इंसान अगर भगवान के बाद किसी और पे विश्वास करता है तो वो है डॉक्टर। ऐसे में डॉक्टर साहब से बातचीत के आधार पे हम कह सकते हैं, या फिर जो अनुभूति के आधार पे कह सकते हैं, कि इसमें मानवता का पार्ट जो है वो सबसे बड़ा है। पहले बात हो रही थी कि डॉक्टर गाँव में नहीं जाते हैं, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि, और सरकार को भी देखना चाहिए कि डॉक्टर क्यों नहीं गाँव जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब ही कह रहे थे कि बहुत सारी उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिलती हैं,
अगर उस तरह की सुविधाएँ उन्हें वहाँ मिलती रहे तो निश्चित है कि डॉक्टर भी वहाँ जाएंगे और लोगों को सुविधाएँ देंगे। आप क्या कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हर व्यक्ति तक वह लाभ पहुँचे, हर व्यक्ति निरोग हो, हर व्यक्ति का समय पर इलाज हो, इसके लिए झारखंड को क्या करना चाहिए? झारखंड सरकार को सब्सिडाइज करना चाहिए कुछ दवा, जो दवा लाइफ सेविंग है, जो दवा बच्चों के लिए ख़ास तौर से ब्रोंको निमोनिया और डिहाइड्रेशन से बच्चों का जो डेथ होता है उसको रोकथाम के लिए जो दवा है उसको सब्सिडाइज करके मार्केट में देना चाहिए, वो जेनेरिक हो चाहे कुछ भी हो। एक तो ये होना चाहिए और दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर लोग को हम लोग रिम्स वगैरह में पेइंग केस कर दिया है, हर पेशेंट के लिए पेइंग कर दिया है, वहाँ गरीबों के लिए भी कुछ जगह होना चाहिए जिसको 10 रुपये का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता है, उसके लिए कुछ प्रबंध होना चाहिए, कुछ बात होना चाहिए, रहने का बेड्स कुछ फ्री बेड्स होना चाहिए, कुछ फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए, हर केस से पैसा लेना तो फिर ये वेलफेयर स्टेट के खिलाफ हम समझते हैं। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर SP मुखर्जी, फिर नए मुद्दे के साथ दैनिक जागरण किसी मोड़ पर आपसे मिलेगा। अब आ गया है समय बहस का, मंथन का, विचार का, सृजन का, योजना और चिंतन का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? अब आ गया है समय परिश्रम का, परिणाम का, दशा के बोध का, दिशा के ज्ञान का। अब क्या करना चाहिए झारखंड को? इस हेतु हमेशा की तरह दैनिक जागरण है आपके साथ। जानिए विशेषज्ञों की राय और पुराधाओं के अनुभव दैनिक जागरण की विशेष संपादकीय श्रृंखला में। आज ही पढ़ें और हिस्सा लें दैनिक जागरण। अब क्या करना चाहिए झारखंड को?